हम मोहम्मद की मीमांसा क्यों नहीं करेंगे और क्यों सच नहीं बोलेंगे? और अगर मोहम्मद का सच अगर दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी। डासना मंदिर के पुजारी नरसिंहानंद सरस्वती तो आपको याद ही होंगे। अभी हाल ही में एक नाबालिग बच्चे आसिफ को जिस मंदिर में पानी पीने पर पीटा गया था, ये उस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। स्वामी जी अपने एक विवादित बयान को लेकर फिर से चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर एक विवादित बयान दिया है, सुनिए उनका ये वायरल बयान। तो हमारे लिए मोहम्मद क्या चीज है? हम मोहम्मद की मीमांसा क्यों नहीं करेंगे और क्यों सच नहीं बोलेंगे? और अगर मोहम्मद का सच दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी। और जब किसी को पता चलेगा कि तू केवल लुटेरे डकैत और जल्लाद को फॉलो कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को जो बलात्कारी था, ऐसे व्यक्ति को जिसने औरतों की सौदागरी की है, तो आज हर मुसलमान को, दुनिया के हर मुसलमान को अपने मुसलमान होने पर शर्म आती। जी स्वामी जी बोल रहे हैं, मोहम्मद साहब लुटेरे डकैत और जल्लाद थे जिन्हें मुस्लिम्स फॉलो करते हैं। अगर मुस्लिम्स को ये सच्चाई पता लग जाए तो वो अपने आप में शर्म महसूस करेंगे। उनके इस बयान पर असुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। असुद्दीन ओवैसी अपने ट्वीट में लिखते हैं, पैगंबर मोहम्मद की तौहीन करना या उनके बारे में अपमानजनक बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या धर्म गुरुओं के रूप में काम करने वाले ये अपराधी इस्लाम के साथ अप्राकृतिक रूप से जुड़ सकते हैं? आप इस्लाम को पसंद नहीं करते, फिर भी आपके पास इतना समय है कि आप इस्लाम पर ही बात करते रहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपके धर्म में भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर आपको बात करनी चाहिए। ओवैसी दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए आगे लिखते हैं, ये शख्स सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने के मकसद से इस्लाम का अपमान कर रहा है और आपका मौन व्रत शर्मनाक है। यदि आप अपनी नौकरी भूल गए हैं तो हम एक रिफ्रेशर कोर्स कर सकते हैं। स्वरा भास्कर ने भी स्वामी जी के इस बयान पर रोष जाहिर किया है। स्वरा भास्कर अपने ट्वीट में लिखती हैं, इस भगवाधारी बेवकूफ की बातें निंदनीय है, जहरीली और नफरती है और इस पर कानूनी माध्यम से कार्रवाई होनी चाहिए। पर अमंतुल्लाह खान आपकी भी बात उतनी ही निंदनीय है। आप अपनी आहत धार्मिक भावनाओं के एवज में अपराध और हिंसा को प्रोत्साहित नहीं कर सकते, ये भी सरासर गलत है। शेम। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल खबर आप तक पहुंच सके।